कि यहाँ पर आईसीआईसीआई में जो हमने ये शूट किया है, डिजिटल शोकेस किया है, बहुत ही प्यारा है क्योंकि लोकेशन भी बहुत सुंदर है, प्लस मेरी म्यूज साई जो आज मेरी फिनाले वॉक कर रही हैं, शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड शी इज़ अ परफेक्ट पर्सन फॉर द काइंड ऑफ लुक दैट आई एम शोकेसिंग टुडे, जहाँ पर एक बहुत कंफर्ट है लेकिन मैग्नानिमिटी है कपड़ों में, एंड शी हरसेल्फ इज़ वेरी वेरी ईजी एज अ पर्सनैलिटी, बट शी डजंट रियलाइज दैट There's so much magnanimity in her look, which is so glamorous. And जब मैंने उनको पहली दफ़ा देखा तो I really thought she was so so gorgeous. And I think she does complete justice to all the clothes. सही जी, आपके एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहेंगे, ये जो डिजिटल शो था क्योंकि हम ऑडियंस के बीच में करते हैं, जी तालियां बजाते हैं, यहाँ पर आप बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस विथ डिजिटल जी. एक्चुअली ये जब मुझे पता चला डिजिटल शो है, मैंने एक्चुअली कैसे चैन की सांस ली क्योंकि मैं थोड़ी सी नर्वस हो जाती हूँ, लेकिन कैमरा के सामने मुझे पता है कि अगर मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया तो मुझे चप्पल नहीं पड़ेंगे, मुझे और एक चांस मिलेगा. तो आई वॉज एक्चुअली लिटिल हैप्पी, बट जिस सर्कमस्टांसिस की वजह से हम ये शो कर रहे हैं, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि सब अंदर रहे, सब सेफ रहे, और आई एम रियली हैप्पी कि बाई फाइंडिंग वेज टू अडेप्ट एंड ओवरकम चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स एंड डूइंग वॉट हैज़ बिन डन ऑल दीज इयर्स इन अ डिफरेंट वे, एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी नेसेसरी चेंज एंड वी हैव टू अडेप्ट टू इट. ये एक्चुअली जो फैब्रिक्स हैं ये बनारसी फैब्रिक्स हैं, और मैं हेरिटेज फैब्रिक्स के साथ में ये मैं पूरा कलेक्शन कर रही हूँ, और जो कट्स हैं ये बहुत ही विक्टोरियन कट्स हैं, जो 17 सेंचुरी के लुक्स हैं, जो मेरी गाइडलाइंस हैं मेरी डिज़ाइंस की, तो उसको नज़रे में रखते हुए ये पूरा कलेक्शन बनाया हुआ है, जहाँ पे सिलुएट्स में फैब्रिक सब इंडियन हैं, इंडियन एट हार्ट है, लेकिन जो कट्स हैं वो बहुत ही फ्लोइंग और बहुत ही प्रिंसेस काइंड ऑफ लुक्स हैं, बहुत ही रोमांटिक कट्स हैं, लेसेस का उपयोग किया हुआ है, और जो मुझे इसमें जो कलेक्शन में जो फिलॉसफी है मेरी वो बहुत ही रोमांटिक और इजी फीलिंग फिलॉसफी है, और कलेक्शन कंफर्टेबल होने के बावजूद बहुत ही ग्लैमरस लगता है. ये मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही हूँ क्योंकि जब मैंने कल पहना ना, मुझे लगा कि यू नो मेरा एक मानना है कि मैं जो कपड़े पहनती हूँ, इफ आई एम नॉट कंफर्टेबल तो मैं लगती हूँ थोड़ी अनकंफर्टेबल, लेकिन जब मैंने ये पहना आई वाज जस्ट फीलिंग माई सेल्फ, मुझे इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि इतना खूबसूरत आउटफिट है, और आई थिंक मोर देन दैट ऑल्सो द वे शी मेड मी फील सो कम्फर्टेबल एंड शी सेड इज लुकिंग वेरी नाइस, सो उसका एक और प्लस पॉइंट था, सो आई एम फीलिंग वेरी वेरी नाइस एंड प्रिंसेसी इन दिस आउटफिट. राइट आंसर. हाँ बिल्कुल. एंड यू नो हमने आपको बगल में देखा, सो अब आपके 21 में प्रोजेक्ट आए थे, कुछ आप बता रहे हैं कि कैसी चल रही तैयारियाँ एंड कब तक ये प्रोजेक्ट आपके आने वाले हैं? आई थिंक कल ही एक लुक आया मेजर का, तो वहाँ पे लिखा है कब आएगा, एंड मेजर की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, और मैं बहुत खुश हूँ जो भी काम हो रहा है, और आई कांट वेट कि कब सब फर्स्ट लुक देखे, ट्रेलर देखे, मूवी देखे. That's about it. And Christmas and New Year भी आ रहा है, तो आपकी तरफ से ऐसी कोई specific planning होने वाली है आपको? कुछ नहीं, हम घर पे बैठेंगे, safe बैठेंगे और घर में सदस्यों के साथ में Christmas और New Year मनाएंगे. मुझे ना क्रिसमस में ना, मेरा क्रिसमस फेवरेट फेस्टिवल है क्योंकि मुझे डबल गिफ्ट्स मिलते हैं. मेरा बर्थडे है 24th को. मैं जब बच्ची थी वो क्रिसमस ट्री के नीचे वो सेंटा क्लॉज गिफ्ट्स रखते थे और मुझे मेरे पेरेंट्स और फ्रेंड्स भी गिफ्ट देते थे. तो दिस ईयर क्योंकि घर में रहना है और ज़्यादा लोगों से मिलना नहीं है, मैंने सब अंकल आंटी फ्रेंड्स को फ़ोन करके बताया कि सेंड मी गिफ्ट्स, मुझे गिफ्ट कम नहीं चाहिए. Wow.
one Christmas and New Year wish with all. Guys, we wish you a very happy 2021. Stay safe with your family, stay blessed, and do whatever you wish to do, which you were not able to do in 2020. A very happy new year to everyone. I just hope ki sab is saal bahut khush rahe aur you know jitna bhi waqt apne aap ke sath aapne bataya hai use achhi tarah se istemal kare aur apne aap pe bahut zyada kaam kare. Thank you so much. Thank you. Good luck. Thank you so much. Sorry.